नमस्ते। योर बोथ हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा। इनहेल एंड योर बोथ हैंड्स अप, योर बोथ हैंड्स लॉक, योर हील्स अप, होल्ड इन अ नॉर्मल ब्रेथ। इनहेल एंड एक्सहेल रिलैक्स। इनहेल एंड योर राइट नी बेंड, होल्ड विथ योर बोथ हैंड्स। Try to hold 10 to 15 seconds each side. Side change, your knees straight, your back straight. Keep breathing. Your right leg back side, hold with your both hands, your chest open. Keep breathing and hold. Side change. Inhale and exhale, relax. Both hands sides, your right leg front side 5 times kick, your knees straight, your back straight. Side change, 2, 3, 4 and 5. Now side change. So, जब भी हम practice कर रहे हैं दोनों side पे करना है। आप starting में 5 times hold continue kick कर सकते हो and then आप टाइमिंग बढ़ा सकते हो, 10 टाइम्स 15 टाइम्स भी कर सकते हो, इससे हमारे लेग स्ट्रेचिंग इंप्रूव होती है। नाउ बैक साइड, कीप ब्रीथिंग एंड कंटिन्यू। आप दोनों हाथ वॉल पे सपोर्ट लेके भी ये कंटिन्यू कर सकते हो। नॉर्मल ब्रीथ एंड रिलैक्स। नाउ राइट लेग राउंड 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैंने आपको बोला दोनों हाथ आप वॉल पे रख के भी आप 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज राउंड कर सकते हो एंड विदाउट सपोर्ट के। बट नी स्ट्रेट रखनी है, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, स्टमक इन, स्माइल ऑन योर फेस एंड नॉर्मल ब्रीथ। साइड चेंज एंड कंटिन्यू। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1-2 वीक के बाद भी आप काउंटिंग बढ़ा सकते हो। ओके, नॉर्मल ब्रीथ एंड नाउ योर बोथ लेग्स ब्रॉड, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। योर बोथ हैंड साइड्स, योर राइट हैंड अप एंड स्ट्रेच। जब भी हम साइड में स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखना है स्ट्रेचिंग हमें साइड में ही आनी चाहिए। बॉडी आगे करके साइड में स्ट्रेचिंग नहीं करनी है एंड प्रैक्टिस हम दोनों साइड करेंगे। अब 10 टू 15 सेकंड्स स्टार्टिंग में होल्ड करिए एंड 1-2 वीक्स के बाद आप सेकंड्स बढ़ा सकते हो। दोनों लेग्स ब्रॉड ही रखने हैं। 5 टाइम्स या 10 टाइम्स आप क्लॉकवाइज बेली रोटेशन कर सकते हो एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। प्रॉपर कंटिन्यू करना है। कीप ब्रीथिंग एंड कंटिन्यू। शेप योर बैली क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। नाउ हैंड्स एक्सरसाइज। दोनों लेग्स नॉर्मल साथ में, बॉडी स्ट्रेट। इनहेल एंड एक्सहेल कंटिन्यू 10 टाइम्स। कीप ब्रीथिंग थ्रू योर नोज ओनली। Now, 1 by 1 hands up down, starting with 10 times and then up seconds, I mean counting bada sakte ho. Keep breathing, very nice. Okay, now 10 times clockwise round and 10 times anti-clockwise. Elbow band nahi hona chahiye. Keep breathing, dono knees straight, chest out, stomach in and continue anti-clockwise. Very good. Keep breathing. Your both hand sides and shoulder round 5 to 10 times clockwise and anti-clockwise. Your chest out, your stomach in, back straight, dono knees straight and continue 5 times clock and then anti-clockwise. Relax. Your both hands lock back side. Inhale and your chin up. When you exhale, your chin down. Inhale, chin up.
exhale down, inhale up and down. Inhale in your chin right side, exhale left side. Inhale right, exhale left. 3 to 5 times up kar sakte ho. Now inhale and आपको राइट हैंड आपको लेफ्ट चेन पे रखना है एंड स्ट्रेच. ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं करना है, जस्ट कीप ब्रीथिंग एंड स्ट्रेच. देन साइड चेंज. आप 5 to 10 सेकेंड्स मिनिमम होल्ड कर सकते हो. नॉर्मल ब्रीथ एंड कम बैक. थैंक यू सो मच. टेक केयर. नमस्ते, आई एम रूमी पंडे, इंटरनेशनल योगा टीचर, एंड आज हम करने वाले योगा फॉर हिप ओपनिंग. सो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि हमें स्ट्रेचिंग वाले आसनास जैसे हनुमान आसन, पूर्णमन आसन या फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग आसनास में लेग स्ट्रेचिंग या स्टिफनेस के कारण हमसे वो आसन नहीं हो पाते, या फिर हमें रूटीन में भी हिप ओपनिंग के लिए आसनास सजेस्ट कीजिए. तो ये कुछ योगा आसनास की एक्सरसाइज है, टेक्निक्स है जो आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो. बस ध्यान यही रखना है, फर्स्ट आपका पोस्चर सही होना चाहिए, होल्डिंग एंड ब्रीथ, फोकस ब्रीथ पे रखना है, आपका होल्डिंग अच्छा होना चाहिए और आपका जो आसनास की एक्सरसाइज कर रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए. मीन वो टेक्निक सही होनी चाहिए, आपका पोस्चर गलत ना हो. मीन ज्यादा स्ट्रेच करने के लिए आप बैक बैंड या नी बैंड करके ना करो. मेन चीज आप स्टार्टिंग में हो सकता है आप पिलो का यूज करो या फिर वॉल के सपोर्ट से प्रैक्टिस करो, बट ये एक रेगुलर प्रैक्टिस. अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस, हिप ओपनिंग सब कुछ सही हो जाएगा. सो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए एंड हेल्दी रहिए. सो लेट्स स्टार्ट. दोनों लेग्स थोड़े से ब्रॉड रखने हैं. इनहेल एक्सहेल एंड सिट इन मलासना. दोनों हाथ चेस्ट पे नमस्कार मुद्रा में. हो सकता है हम स्टार्टिंग में ये पोस्चर में अच्छे से ना बैठ सके तो हम या तो हाफ में होल्ड कर सकते हैं या नॉर्मल ब्रीथ रखे, नीज बैंड करके होल्ड कर सकते हैं, दोनों हाथ आगे रख के होल्ड कर सकते हैं. टोटल 3 to 5 टाइम्स आप डायरेक्ट होल्ड नहीं कर सकते. तो इनहेल सिट इन मलासन, इनहेल एक्सहेल एंड देन लेग स्ट्रेट कीजिए. 3 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए. थोड़ा सा होल्ड कीजिए, दोनों लेग्स हील्स अप डाउन कीजिए. नॉर्मल ब्रीथ रख के थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, लेग स्ट्रेट करने का, बैक स्ट्रेट करने का, एल्बो स्ट्रेट करने का. एंड कीप ब्रीथिंग, फोकस ब्रीथ पे रखना है एंड ट्राई टू होल्ड एंड स्ट्रेच. जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस इंक्रीज होगा, राइट? तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और होल्डिंग करना है. आप रेगुलर अगर इस पोस्चर के लिए 2-3 मिनट देते हो वेरिएशन के साथ, लाइक फॉरवर्ड बैंडिंग, नॉर्मल ब्रीथ में आप बैठने का ट्राई कीजिए. मॉर्निंग इवनिंग में जब आप प्रैक्टिस करो तब बैठिए, दोनों लेग स्ट्रेट रख के होल्ड करने का, फॉरवर्ड बैंडिंग होल्ड करने का ट्राई कीजिए. सो इनहेल एक्सहेल एंड नाउ राइट लेग दोनों हैंड्स के बीच में लाना है और लेफ्ट लेग पीछे. अश्व संचालन आसना, द हॉर्स राइडर पोज. हो सकता है स्टार्टिंग में हम ये पोस्चर में सही से ना बैठ पाए बिकॉज ऑफ हिप ओपनिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, बीच में पिलो रख सकते हैं. नी पे नीचे वेट आ रहा हो तो आप नीचे पिलो रख सकते हो एंड 3 to 5 टाइम्स आगे वाले लेग्स की नी स्ट्रेट एंड बैंड करनी है. तो नी जो है वो फिट से आगे नहीं जानी चाहिए, थाई से स्ट्रेच करना है. कीप ब्रीथिंग, नी स्ट्रेट करना है एंड जब नी स्ट्रेट कर रहे हो तो हिप्स डाउन नहीं जाएगा. जब फॉरवर्ड बेंडिंग करने का ट्राई कर रहे हो तो बैक बैंड भी नहीं होनी चाहिए, जितना हो रहा है उतना ही स्ट्रेच एंड बैंड करिए. कीप ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल एंड नाउ आगे वाला राइट लेग जो आपने बैंड किया था वो बैंड करने का ट्राई कीजिए. हो सकता है आप डायरेक्ट ना बैठ पाओ तो बीच में आप पीलो रख सकते हो. फोकस ऑन योर ब्रीथ एंड ट्राई टू होल्ड एंड स्ट्रेच. आप प्रॉपर अच्छे से ना बैठ सको तो 3 to 5 टाइम्स पीलो रख के थोड़ा स्ट्रेच कीजिए. नॉर्मल ब्रीथ में होल्ड कीजिए, थोड़ा सा बैक साइड स्ट्रेच, गो फॉरवर्ड, ट्राई टू होल्ड, इनहेल एक्सहेल जाके वापस से बैक साइड स्ट्रेच करो. द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हिप ओपनिंग, कीप ब्रीथिंग एंड ट्राई टू होल्ड. अगर आगे जाके आपको पूर्णमन आसन, हनुमान आसन जैसे आसनास करने हो तो वो भी ईजी हो जाएंगे. नाउ इनहेल एक्सहेल करके राइट लेग आगे लाइए,
नॉर्मल ब्रीथ द बेस्ट अश्वसंचलनासना इज द बेस्ट पोस्चर. नाउ लेग स्ट्रेट करके एंड अगेन होल्ड कीजिए. देखो मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज होल्डिंग इज द की. अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे एंड होल्ड करेंगे आसनास में, तब जाके हमारी बॉडी ओपन होंगी. दोनों लेग स्ट्रेट रखने एंड ट्राई टू गो फॉरवर्ड एंड स्ट्रेच. देखो इसमें मैंने ये वीडियो में एक ही साइड प्रैक्टिस करते हुए दिखाया, आपको दोनों साइड प्रैक्टिस करनी है. ओके, दोनों साइड हमारी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए. सो कीप ब्रीथिंग. अगर आप डायरेक्ट स्ट्रेच ना करो ना, तो दोनों हाथ में पिलोस रख के सपोर्ट लेके या वॉल के सपोर्ट से आप स्ट्रेच करके होल्ड कर सकते हो. नाउ इनहेल एक्सहेल एंड अगेन मलासन. दिस इज द बेस्ट पोस्चर. दोनों हाथ पहले हम लेग्स पे, दोनों लेग्स ब्रॉड रखने हैं, गो फॉरवर्ड एंड ट्राई टू सिट इन मलासन. कीप ब्रीथिंग. आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए. जब हमें आइडिया नहीं होता, बट हमारी बैक, लोअर बैक बैंड हो जाती है और हम बैठे होते हैं और हमारा पोस्चर गलत होता है, तो उससे हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता, ऊपर से इंजरीज हो जाती है. सो ट्राई करना है कि आपका जो पोस्चर है वो सही हो. दोनों साइड स्ट्रेच कीजिए, फॉरवर्ड स्ट्रेच कीजिए. कीप ब्रीथिंग. अगर आप प्रॉपर ऐसे एक साइड पे ना बैठ सको कि योगा मैट पे, तो आप हाफ बैठने का ट्राई कीजिए. धीरे धीरे जब स्ट्रेचिंग होगी, आपकी बॉडी ओपन होगी, तब आप जाके अच्छे से बैठ सकोगे. हाफ में बैठिए जितना हो सके उतना. लेग स्ट्रेच कीजिए, हिप ओपनिंग, हिप स्ट्रेच होगा, आपको लोअर बैक पे भी स्ट्रेच आएगा. कीप ब्रीथिंग. आपका पोस्चर सही होना चाहिए एंड कीप ब्रीथिंग. 3 to 5 times आप स्टार्टिंग में कर सकते हो. 2-3 seconds मिनिमम होल्ड करने का ट्राई कीजिए, फॉरवर्ड बेंडिंग करने का ट्राई कीजिए, दोनों लेग्स ब्रॉड रख के अगेन सीट इन मलासना. ट्राई टू होल्ड नॉर्मल ब्रीथ. दोनों हाथ योगा मैट पे रखे, दोनों साइड पे स्ट्रेच कीजिए अपर बॉडी. फोकस ऑन योर ब्रीथ. इनहेल एंड एक्सहेल. नाउ दोनों हाथ योगा मैट पे एंड फॉरवर्ड स्ट्रेच एंड स्लोली कम बैक. सो प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए एंड हेल्दी रहिए. थैंक यू.